बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉलर जार मलिक अली रजा साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मालिक का करम एहसान है। आप सुनाएं शहजाद भाई, सारी खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम बड़ा एहसान। जिस तरह आपने पिछली पेशन को ये की थी कि मलियम नवाज को बड़ा ओहदा मिलेगा, वजीर अला पंजाब भी बन गई और शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम का हलफ भी उठा लिया, किस तरह देखते हैं आगे इस हुकूमत को, हलफ के टाइम को और असेंबली के पहले इजलास को किस तरह देखते हैं आगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, आपके सामने जो हमने पिछली परीक्षाएं की थी मरियम नवाज साहब के हवाले से, फिर शहबाज शरीफ के हवाले से, और कि इनके मामलात क्या होंगे और इनके जायचे में क्या है, देखें उसके मुताबिक मरियम नवाज को CM बना दिया गया, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन रह गई इनकी जो है वो जायचे के हवाले से। ये जो हुकूमत इतना अभी मरियम के हवाले से जो जायचा है वो काफी बेहतर है। अभी उनका जो जो आगे टाइम चलेगा, जो उनकी पांचवें घर की इंटर दिशा चल रही है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये अभी इनके बहुत सारी बेहतरी आएंगी, बहुत कुछ डिलीवर कर पाएंगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो जायचा है उसमें भी हमने कहा था कि ये इनको बड़ा होता और ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह बन सकते हैं। देखें बड़े बड़ों ने कहा था जी नवाज शरीफ का जायचा बड़ा तगड़ा है, वो आ गए हैं तो वो वजीर आजम का हलफ उठाएंगे, वो बन जाएंगे। तो हमने तब भी कहा था कि इनके मामलात अच्छे जरूर हैं लेकिन इस हद तक नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर वाली जो सीट है वो ले सकें। लेकिन ये इनकी जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा देर चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, जो इनकी गवर्नमेंट है। अगर आप ये कहें कि ये 5 साल अपना टर्म कंप्लीट करें, ऐसा नजर नहीं आ रहा सितारों की चाल से। तो जिस तरह आपने कहा है कि मरियम नवाज के लिए कुछ टाइम अच्छा है लेकिन ये गवर्नमेंट ज्यादा टाइम चलती हुई नजर नहीं आ रही। सर जैसे तैसे भी गवर्नमेंट तो बन गई, सदर पाकिस्तान भी बनने जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनका टाइम अच्छा है बेहतर है? जी जरदारी साहब के जो जायचे की पोजीशन है वो अभी तो इतनी बेहतर नहीं है, ठीक है ना। तो मजीद अभी उनकी जो इंटर दिशा चल रही है उसके हिसाब से वो बन सकते हैं सदर, और उनके मामला जो हैं आगे जाके वो बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। सर अगर थोड़ी सी बात कर लूं आपसे, एक नई जमात सुन्नी इतिहाद आई है, किस्म की नई जमात है जो असेंबली में आई है, दूसरी तरफ PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो गया है, अब उनको इंतखाबी निशान मेरा ख्याल है वापस मिल जाएगा। सितारे क्या कहते हैं कि जिमनी इलेक्शन जब होगा फिर इमरान खान साहब वापस होंगे, थोड़ा सा कैदी नंबर 804 के बारे में बता दें। देखें इमरान शहजाद भाई, हमने कब से हम आपके चैनल पे ये पेशन गोईयां कर रहे हैं कि खान साहब का जो जायचा है वो बहुत स्ट्रांग है। उनकी पिछले दिनों मैंने कहा था कि उनका ट्रांजिट इंतहाई खराब है। हमने अगस्त के अंदर 2023 में प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब को जेल होगी, इनको सख्त मुकदमात का सामना होगा, मसाइल का सामना होगा, देख लें आज दिन तक वो किन मसाइल का शिकार है। और हमने उनको मशवरा भी दिया था कि इनको थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, जो उनके जायचे के मुताबिक उनके लिए बेहतरीन मशवरा था। देख लें आप उनके ऊपर केसेस और ये सारे मामले हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा था कि फरवरी तक खान साहब का टाइम खराब है, इनका ट्रांजिट खराब है, लेकिन गो इनकी इंटर दिशा और महादिशा बहुत अच्छे प्लेनेट की थी, लेकिन अब जो है वो मार्च से जो स्टार्ट हो चुका है इनका मामला बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। और मैं ये आपको बता दूं, आएंगे खान साहब भी, ठीक है, लेकिन चूंकि उनके मामले में जायचे में कुछ ऐसे मामला हैं जिस पे वो जिद पे अड़े हुए हैं, अभी भी देख ले बड़े बासलूक जो जराए हैं उनसे हमें पता चला था कि इनसे डील हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन वो किसी बात पे नहीं आए कि इनको सदारत का ओहदा दे दिया जाए, लेकिन वो इस शायद वो इस पे एग्री ना हुए हों। लेकिन आने वाला जो टाइम है वो खान साहब का ही है और खान साहब ही हुकूमत
संभालेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अभी नहीं, वो आने वाली जो अगली वीडियो होगी हम उसमें आपको ये भी बताएंगे कि खान साहब कब आएंगे, हम आपको मंथ भी बताएंगे, डेटे भी बताएंगे कि खान साहब, क्योंकि आगे जाके खान साहब का शम का पीरियड है, फिर मरीख का पीरियड है, इंटरदिशा है, इंशाल्लाह वो इनके जायचे की बड़ी ताकतवर है, आएंगे खान साहब ही, ये मैं आपको बता दूं। जी व्यूअर्स, मलिक अली रजा साहब ने बड़ी पेशन गोई की है कि आने वाला दौर जो है, आने वाला वक्त है खान साहब का, वापस भी आएंगे और ये तरीके भी बताएंगे खान साहब कब वापस आ रहे हैं। सर, बल्ले का निशान आ जाएगा अब तो जो होगा फिर जिमनी इलेक्शन, सीटें तो बढ़ेंगी, आपने हुकूमत के लिए खतरे की गारंटी बजा दी कि ज्यादा अच्छा नहीं चल सकेगी, तो ये जो निजाम है फिर आगे किस तरह चलेगा, 24 चल जाएगा, 25 में जाके इलेक्शन होंगे कि यही सिस्टम चेंज होगा? नहीं, सिस्टम ही चेंज होगा, अभी 24 में तो खैर ऐसे ही चलेंगे, 25 में जाके तब्दीली आएगी, और जैसा मैंने कहा ना कि खान साहब ही आएंगे, आप देखिएगा अभी भी आप पूरे मुल्क में जो खान, अभी बल्ला नहीं था इनके पास, वो ले लिया गया, ठीक है, किसी भी तरीके से इनका बल्ले का छीन लेना बनता ही नहीं था, कानून में कोई ऐसी कोई ऐसे मामला थे ही नहीं, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब थे वो पर्सनल हो गए खान साहब से और वो मामले आपके सामने, लेकिन आप देख लें कि निशान नहीं था उनके, ठीक है, बल्ले का निशान नहीं था, इसके बावजूद उनका जो रिजल्ट मामला आपके सामने पूरे मुल्क में, जो मैंडेट चोरी किया गया है वो आपके सामने, लेकिन ये वक्त बताएगा कि जब, मैं आपको एक बात बता दूं शहजाद भाई, एक बात क्लियर बता दूं कि जब इंसान का वक्त अच्छा चलता है ना, तो फिर कुदरत की भी मदद जो है वो शामिल हाल होती है, फिर कुदरत उसे कोई ना कोई बड़ा ओहदा देना चाहती है, और आगे खान साहब का जो टाइम है वो बहुत अच्छा स्टार्ट हो रहा है, बल्कि मारी से वो आगे जाके मजीद बेहतर होता जाएगा इंशाल्लाह। मैं बड़ी प्रेडिक्शन करूंगा के खान साहब किस महीने में आ रहे हैं और हम डेटे भी उसमें आपको अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। जी जी जरूर इंशाल्लाह, हम आपसे वीडियो करेंगे कि कब आने वाले। सर थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान के हालात की, आईएमएफ जिस तरह पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा रहा है और अब तो उन्होंने कह दिया कि जी कितनी 18% महंगाई और होगी पेट्रोल और दूसरे खाने पीने वाली अशियात में, तो किस तरह फिर आगे चल पाएगा ये दौर? तो अभी रमजान आने वाला है तो महंगाई और मुश्किल बढ़ जाएंगी। अभी सवाल ही पैदा नहीं होता शहजाद भाई, जो प्लेनेट की पोजीशन पाकिस्तान का अपना जायचा है उसमें जो दिखाई दे रहा है 12वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है, ये मामले अभी नहीं सुलझने वाले, ये कुछ नहीं, जून के बाद कोई बेहतरी आए तो कुछ नहीं कह सकते, जून से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, तूफान आएगा महंगाई का, आवाम सड़कों पर होगी, आप देखिएगा एहतजाज होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का अपना जायचा अभी ठीक नहीं चल रहा। सर आवाम सड़कों पे होगी, एहतजाज होगा, तो थोड़ा सा बता दें डॉलर का रेट इंक्रीज और होगा, क्योंकि डॉलर रखने वाले भी हमसे सवाल करते पूछेंगे डॉलर किधर जाएगा। डॉलर अभी इंक्रीज होगा, अभी नीचे नहीं आएगा, डॉलर अभी नीचे नजर आता हुआ दिखाई नहीं देगा, डॉलर ऊपर जाएगा। सर तो फिर किस तरह हुकूमत चल पाएगी ये, फिर क्या करेंगे शहबाज शरीफ साहब 16 माह की कारकर्दगी, फिर क्या बनेगा इनकी कारकर्दगी आपके सामने होगी, आवाम की दुहाइयां होंगी जो आसमान को छुएंगी, आपके सामने होगा जिस तरीके से जिस रास्ते से ये इन ओहदों पे आए हैं वो आपको भी पता है मुझे भी पता है बिल्कुल। और पहले जो इन्होंने 16 माह की हुकूमत ली है उसमें इन्होंने क्या किया वो आपके सामने, बड़े बड़े दावे थे, क्या किया? अब भी इनके दावे हैं, अभी आपके सामने होंगे, जो मुल्की हालात हैं, जो खजाने की पोजीशन है वो आपके सामने, ये कहां से करेंगे? अभी तो आप देख लें कि अभी इलेक्शन से पहले अनाउंस किया था जी 300 यूनिट फ्री देंगे, ये करेंगे, अभी उन्होंने यू टर्न लेके कह दिया जी नहीं वो बात सोलर पैनल की थी, सोलर पैनल लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारे मामले आपके सामने हैं, अभी बेहतर होगा कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह अपना अल्लाह पाकिस्तानी आवाम पे रहम करे, अल्लाह हमारे लिए कोई बेहतरी करे, आसानी पैदा करे, रमजान आ रहा है लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करे। सर एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। हम तो दुआगो हैं कि आले मोहम्मद का अल्लाह जो है वो पाकिस्तान पे अपना खास तरस रहम और बरकत नाजल करे। जो आम आदमी पिसा हुआ है उसकी जो बुनियादी जरूरतें जो इस वक्त डिस्टर्ब हो गई हैं वो कम से कम पूरी हो। आप देखें कि लोगों के हालात कैसे हैं। आप यकीन करेंगे, एक बात मैं आपसे शेयर करता हूं। एक मैं फेसबुक पे एक बंदे का उसने पोस्ट शेयर की हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि कोई खुदा है जो इस वक्त मेरी मदद करे। ये मैंने जुमले अपनी आंखों से पढ़े। आप अंदाजा कर लेंगे पब्लिक किस नहज पे आ चुकी है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। थैंक यू सो मच मुझे और बिल्कुल सर मुझे और मलिक अली रजा साहब को दीजिए इजाजत। हम सर से अगली वीडियो जरूर करेंगे जिसमें सर इमरान खान की रिहाई की और कब वापस आ रहे हैं उसकी डेट भी अनाउंस करेंगे और बड़ी तहलका खेज पेशन हुई भी करेंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मुझे और मलिक अली रजा साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।